अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हर ये सेंगे मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज रमज़ान का तीसरा जुमा है, मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन मियाँ के जुमा के बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के सगीरों के बिरगुनों को माँ फरमाए, हम सबको नेकी और सीधे रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि गला भी ख़राब हो रहा है, तो आप लोगों को महसूस तो होगा लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने इस बात को महसूस नहीं करना है, और वीडियो की जो टॉपिक है ना उसको देखना है आप लोगों ने। तो पहले मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाई है, मेरे इसी चैनल पर वीडियो मौजूद हैं। इसके बाद कुछ टाइम तक मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है कि अब दोबारा से वीडियो अपलोड होनी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी चैनल पे आज ये महवेश के लिए वीडियो डालती हूँ। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखी होगी आज ये महवेश की पहले एक वीडियो आई है अपने चैनल पे, इसके बाद उसके हस्बैंड ने भी उसकी चैनल पर वीडियो अपलोड की है और उसने बताया कि कसूर किसका, हम दोनों में से कसूर किसका ये फैसला व्यूवर्स करेंगे। लेकिन आज ये महवेश वो गंदी मछली है ना जिसने सारे तालाब को गंदा कर दिया, खुद अपने मुंह से जिस तरह से वो गंदे अल्फाज निकालती है, हम लोगों की तरबियत ऐसी नहीं है कि हम लोग इस तरह की बातें अपने मुंह से निकालें। सॉरी। इसके बाद उसने अपनी किसी एक दोस्त के चैनल पे वीडियोस डालना शुरू की, उस औरत ने इसका इतना साथ दिया कि हर रोज़ बाकायदा उसके घर में जाती, इसके साथ वीडियोज़ बनाती। इसके बाद ये कहते हैं ना हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, वही वाला सिस्टम इस बेचारी तबस्सुम के साथ भी हुआ है, क्योंकि ये तबस्सुम ही है कि इसने भी दो शादियां की हुई हैं और उसके दूसरे हस्बैंड ने भी इसको तलाक दे दी है और इसकी मेरे घर बची हैं। मैंने तो इसकी सरसरी सी दो वीडियो देखी है लेकिन सारी वीडियोज़ मैंने नहीं देखी इसकी चैनल पर। इसके बाद आर जी महवेश पे ही वीडियोज़ डालने से इसके सब्सक्राइबर वो भी बढ़े और उसके व्यूज़ भी आना शुरू हुए। लेकिन देखेंगे व्यूज़ की बात या सब्सक्राइबर की बात नहीं होती है, बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आज मैं उसकी कहानी जो भी है हम लोगों ने बहुत बार बयान की है, आप लोगों के सामने है, जिस तरह भी वो औरत बयान करती है, जिस तरह औरत वो झूठे टसवे आगे बहाने शुरू कर देती है, मगर मश के आंसू उसकी आंखों में होते हैं। इसके बाद वो अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर देती है। तो बात हो रही थी कि इंसान जिस तरह का होता है ना वो पहचाना जाता है, हमेशा से पहचाना जाता है, और इसने जिस तरह अपनी उस मरी हुई बेटी का ख्याल नहीं किया और अपनी उस बेटी को भी इसने अपनी बातों में घसीटा है। हर रोज़ ये क्लिप लगाती है, एंड में है मुस्कान की क्लिप लगाती है, मुस्कान बहुत ही अच्छी जगह पर है। हम लोगों को दुआ करें जी कि अल्लाह पाक उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उसकी बेहसा मगफरत फरमाए, आमीन। बल्कि कि जो भी लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक सब की मगफरत फरमाए, आमीन। लेकिन इस माँ को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अब मेरी बेटी मुझसे हज़ार लाख गुना बेहतर जगह पर, अब मैं अपनी बेटी को उधर सुकून महसूस करने दूँ। लेकिन नहीं, ये औरत खुद इस तरह की और साथ में ये अपनी बेटी को भी घसीटती है। लोगों ने कितनी बार कहा कि मुस्कान के अब क्लिप नहीं लगाया करो क्योंकि अब उसका इस दुनिया से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन इस औरत ने किसी को भी बातों में तवज्जो नहीं दी। इसके बाद ये बात हो रही थी तबस्सुम की, तो तबस्सुम के साथ भी उसने वीडियोज़ बनाई हैं, तबस्सुम ने इंटरव्यू वगैरह किए। इसके बाद इस औरत ने ये किया है कि जो भी तबस्सुम की पहले वीडियो थी वो मैंने नहीं देखी कि इसके करतूतों का उसने कोई भांडा फोड़ा है। इसके बाद वो रात को इसके घर चली गई है, बेगैरती की इंतहा देखें। जो औरत लोगों के सामने खुद को मजलूम ज़ाहिर करती है, लोगों के सामने वो कहती है कि मैं बहुत ही लाचार हूँ, मेरा मर्द बार बार मुझे छोड़ जाता है और मेरे जो बड़ा बेटा है ज़ीशान वो भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है, उसने उसको लालच दिए कि मेरी जो तुम्हारी माँ के क्लिप बनवा के दो, मेरी तरफ भेजो अपनी माँ के क्लिप जिससे वो बातें करती है, तो मेरा बेटा उसके बहकावे में आ गया, ब्लैकमेल हो गया, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पता नहीं और मोबाइल फ़ोन क्या क्या लेने के लिए मेरे बेटे को लालच दिया। इसके बाद बेटे ने भी कुछ बात हुई होगी तो बेटे ने भी उसको कुछ क्लिप भेजे हैं उस बंदे को,
जो इसका शोहर है उसको कुछ भेजिए ना। पहले वो कहती थी कि ये जब आता है अपनी मुस्कान जो उसकी बेटी है उसके लिए और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन वो मेरे बच्चों के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आता है। वो कहता है कि बच्चों को अपने घर से निकालो, और आज बच्चे उसके साथ मिले हुए हैं। अगर वो बच्चों को समझता ही नहीं, उनसे ना बात करता, ना कुछ खर्चा देता, ना कोई उनके लिए चीज़ लाता, तो बच्चे जहरी बात है कि उसके दिल में नफरत महसूस करते हैं। और जिस बंदे से नफरत होती है, कोई बंदा उसकी बात नहीं मानता, कुछ ना कुछ यहाँ पे आज ये महविश की बात हुई है, तभी उसके बेटे ने वो उसके जो वीडियोज है ना वो दी है, उसको क्लिप बना के भेजे हैं किसी मर्द से बातें करते हुए। आप लोगों ने आर जे महविश की पहले भी वीडियो देखी होंगी जिसमें वो हर किसी बंदे के साथ शूटिंग करती थी। मुझे बताएं कि गैर महरम बंदे का हाथ एक औरत अपने कंधे पर किस तरह बर्दाश्त कर सकती है। फिर गाड़ी में बैठ कर उन मर्दों, कोई औरत नाम की चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ और मर्द होते थे सारे, और उसमें आर जे महविश बैठ के जाया करती थी उनके साथ शूटिंग। क्या वो तुम्हारे बाप थे या तुम्हारे भाई थे या तुम्हारा कोई रिश्ता उनके साथ था? कोई रिश्ता नहीं था। इसके बाद देखें बात यहाँ पे हो रही थी कि तबस्सम के घर की, तो तबस्सम के घर ये औरत गई है, वहाँ पे उसका गेट तोड़ा है, उसको इतनी गालियाँ दी हैं और फिर उसने भी उसके बाप को गालियाँ दी हैं। तो ये औरत ये नहीं समझती है कि ये जिंदगी 4 दिन की है और 4 दिन के बाद जिंदगी ये ख़त्म हो जाएगी, और हम लोगों ने अपने परमानेंटली अपने जो हमारा घर होगा, देमी घर होगा, ये तो आरजी है, हमने वहाँ रहना है। और उसके लिए ये औरत इस हद तक गिर चुकी है पैसे के लिए कि इसके कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। मैं छोटा सा एक वाक्य सुनाऊंगी इसकी वीडियो का, कि इसकी वीडियो आई है तो इसकी यूट्यूब की इनकम आई थी, और यूट्यूब की इनकम कुछ ज़्यादा ही आई थी इसकी, तो 2 लाख से मेरा ख्याल है। तो ये औरत इतनी पागल हो गई थी ना कि अभी तक इसके चैनल पे वो वीडियो मौजूद होगी, आप जो वहाँ जाएँ और जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले आप ये देखें, ये जो आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहा होगा क्लिप, ये मैंने इसकी टिकटॉक की आईडी से लिया। तो उस औरत ने इतनी खुशी से वो नोट फेंके हवा में, और इतनी खुशी से वो कर रही थी ना, लोगों को फील हो रहा था कि ये पागल हो गई है। तो मैंने ये क्लिप जो लगाया था इस वजह से लगाया, मैं आपको बताती हूँ कि जवान उसकी बेटी थी, मासूम सी बेटी थी उसकी, और इस औरत को आज वो औरत जब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, आज ये महविश अपनी बेटी को बुरा कह रही है। वो कहती है कि वो नाफरमान हो गई थी, लेकिन इसमें मुस्कान ज़ारा का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो बच्ची थी, मासूम थी। जो सबसे बड़ा कसूर था वो उसकी माँ का था, और उसकी माँ ये वाला क्लिप बना रही थी वीडियो में, वो इसकी शूट कर रही थी वीडियो, जब वो यूनुस भाई से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही। अब तो ये दोनों इसी दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक इन दोनों की मगफिरत फरमाए, लेकिन इन दोनों की मौत की सारा जिम्मेदारी किसके साथ जाती है? आर जे महविश के साथ। और इन दोनों का जिम्मेदार कौन है उधर पहुंचाने वाला? वो सिर्फ और सिर्फ आर जे महविश है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब तुम देख रही थी अपनी बेटी को खुद उस बंदे के साथ इस हद तक क्लोज कर रही थी, इसके बाद अगर उन्होंने शादी करने का फैसला किया था तो कोई गलत बात नहीं की थी। और इसके बाद तुमने जो उनके शराइत लिखवाई थी, जो उन्होंने तुम्हें कहा था कि इतने ज़मीन लिखवाओ, जेवर लिखवाओ, जो भी है, वो बंदा अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर रहा था, तो तुम्हें और क्या चाहिए था कि तुम्हारी बेटी इज्जत के साथ अपने घर चली जाती, वो बंदा उसको इज्जत से बिठाता। लेकिन नहीं, ये अंदर से अपनी बेटी के साथ भी फेयर नहीं थी, ये अपनी बेटी को ताने देती थी, तशने देती थी, उसको झिड़कती थी। जब इसने देखा कि अब मुस्कान ज़ारा से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, मुस्कान ज़ारा के अगर मैं वीडियो ना डालूं, अपनी वीडियो में शामिल ना करूं मुस्कान ज़ारा को, तो मेरी वीडियो कोई बंदा भी नहीं देखता। इसने ये कहा था कि आस्ता आस्ता मुझसे ज़्यादा हो जाएगी मुस्कान, लोग उसको पसंद करेंगे। तब इसने मुस्कान ज़ारा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, हर बात पे ये उसको टॉर्चर करती, वो सारे घर का काम करती, अपने बहन भाइयों को संभालती, लेकिन इसकी उस माँ के ज़रा भी तरस ना आता। और अब जो राम कहानी शुरू हुई हुई है, जो हेलमेट बुरा है, लोगों के सामने जाके बकवास कर गई, अब कोई तीसरा इसकी ज़िंदगी में आ गया है, और तीसरा वो है जो इसके बेटे ज़ीशान ने उसकी वीडियो का क्लिप बनाकर इसके हस्बैंड को भेजा। अब देखो कि 2 बच्चियां ये पैदा उस बंदे की कर चुकी है, 5 बच्चे पहले छोर गए। अब इसको शर्म होनी चाहिए और इसको थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि अब मैं वो काम करूँ कि मैं अपने बच्चों को पालू पोसूँ,
उनको तालीम दिलवाऊं, अपने घर का उनको करूं। अब इसकी तो जिंदगी गुजर चुकी है। देखे जब इसकी बेटी ये छोटी पैदा हुई है, इसके एक हफ्ते के बाद मुस्का ये आज ये महवेश ने उड़ के फिरना शुरू कर दिया, उड़ के शूटिंग शुरू कर दी। और मुझे बताएं कि ये औरत किस लिहाज से अच्छी है, कौन इस औरत को कहता है कि जी आरती महवेश अच्छी औरत है, जिसको बोले वही कहता है कि इसकी शोहरत ही नहीं ठीक। अब इन जैसी औरतों ने हर एक पाकिस्तानी औरतों को बदनाम कर दिया, इनकी वजह से पंजाब की औरतें बदनाम हो रही हैं। इन लोगों को शर्म है या बिल्कुल भी नहीं है, ये जिस तरह से गंदे लिफाज अपनी वीडियोस में बोलती है, फिर लोग जाकर इसको कहते हैं सिस्टर आप बहुत अच्छी हैं, आप हर रोज़ वीडियो डाला करें। मैं कहती हूँ कि आप लोगों की ही वजह से ये लोग इतने हद तक खुद सर हो चुके हैं कि इनको बिल्कुल भी अपने इस्लाम के बारे में कोई पता नहीं है। ये बुराई के रस्ते पर चल रहे हैं और इनको बुराई के रस्ते पर डालने वाले हवा में। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।